इस ये वाला जो प्रैक्टिकल है मैंने आपको क्लास में बताया था, हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए पड़ती है प्रेशर के साथ, तो ये प्रैक्टिकल हम स्कूल में नहीं कर सकते। हाँ, कॉपर पाउडर को काला उसको जला सकते हैं बस, वापस हाइड्रोजन गैस उस पर प्रवाहित नहीं कर सकते प्रेशर के साथ, तो जलाएंगे तो हम। लेकिन इस प्रैक्टिकल को यहाँ देखोगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्लास में जो करवा रहा हूँ मैं। इसमें क्या कर रहे हैं अपन, कॉपर पाउडर को पहले जलाएंगे, जलाएंगे तो हम उसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवा रहे होंगे, तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, कॉपर टू ऑक्साइड बोलेंगे उसको। वो मतलब वो जो है वो काले रंग का होगा, और उसमें फिर उसके बाद कॉपर ऑक्साइड में फिर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो वो वापस फिर से लाल रंग का हो जाता है, तो वही हमको देखना है। यहाँ पर देखते हैं वो कॉपर को पहले जला रहे हैं या फिर कॉपर ऑक्साइड ही डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कॉपर ऑक्साइड ही यूज कर रहे हैं, हाँ ब्लैक रंग का है ना, तो कॉपर ऑक्साइड ही यूज कर रहे हैं। ये ग्राम देख रहे हैं, 17 ग्राम है। ये जला के क्या दिखा रहे हैं, जलाकर दिखा रहे हैं कि गैस हाइड्रोजन गैस इसमें फ्लो करवा रहे हैं, ये इसी के कारण से यहाँ पर ये जलते हुए दिख रही है, ताकि हाइड्रोजन गैस जो है वो चैम्बर में ना आ जाए, बाहर ना आ जाए, अगर रूम में आ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या कर रहे हैं ये हाइड्रोजन गैस को, अच्छा पहले इसको और गर्म कर दे रहे हैं, मतलब वो कॉपर ऑक्साइड को जला रहे हैं। कलर चेंज होता हुआ दिख रहा है क्या, अंदर की चीज को और हीट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो हीट से जो है वो रिएक्शन कर सके, रिएक्शन तेज हो सके, इसलिए उसको गर्म कर रहे हैं परखने को। पहले काला था वो, अब देखो थोड़ा थोड़ा भूरे रंग का दिख रहा है। देखो भूरे रंग का हो गया, आई होप समझ पा रहे होंगे आप। ये रिएक्शन किस प्रकार से हुई यहाँ पर, पहले उन्होंने कॉपर लिया था, कॉपर को केवल जलाया, कॉपर पाउडर को जलाया तो कॉपर ऑक्साइड बना, Cu2O या CuO, CuO बना, कॉपर ऑक्साइड बना। अब इस कॉपर ऑक्साइड को जो है उन्होंने हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करवाई, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये जो नली है ना इसमें से हाइड्रोजन गैस आ रही है, ये हाइड्रोजन गैस आ रही है तो यहाँ पर ये फिर से कॉपर में अपचयित हो जाएगा और साथ में निकलेगा पानी, साथ में निकलेगा पानी, पानी जो है वो इसको वाष्पीकृत कर दे रहा है, ये गर्म कर रहे हैं ना रिएक्शन तेज करने के लिए, वाष्पीकृत कर दे रहा है, जिसके कारण से जो है वो वापस कॉपर मिल गया है इनको। यहाँ पर देखो आप कॉपर जो है वो भूरे रंग का सब्सटेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, है ना, तो वो कॉपर वापस मिल गया है। ये प्रैक्टिकल अपन क्लास में नहीं कर सकते क्योंकि देख रहे हो हाइड्रोजन गैस के लिए उन्होंने सिलेंडर लिया हुआ है पूरा, उसके बाद आप जो है वो ठंडा करने के बाद इसको नापेंगे भी इसका वेट, तो आप देखेंगे वेट में कोई कमी आती है कि नहीं आती। स्टार्टिंग में वेट किसी ने नोटिस किया था कितना था, एक बार फिर से देख लेते हैं ग्राम में नोटिस कितना था, 16 16 ग्राम तो परख नली के वेट है। परख नली में भरने के बाद जो वेट आ रहा था 17.13, 17.13 ग्राम था, 17.13 ग्राम। आखिरी में देखते हैं फिर से वो वेट करेंगे कितना बचता है, पाउडर तो बन गया ये तो आपको समझ में आ गया, उन्होंने खोला उसको तब उसका वेट कर रहे हैं। कितना था, 17.13 ग्राम, अब कितना बचा हुआ है, 16.16, 16.16, कितने ग्राम की कमी आ गई, लगभग 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 10 और 4, और लगभग लगभग 0.15 ग्राम की कमी आई है, 0.15 ग्राम की कमी आई है। वो 0.15 ग्राम क्या निकला है कोई बता सकता है, क्या काय की कमी आ गई 0.15 ग्राम, क्या कम हुआ है, पानी कम हुआ है बेटा, इसमें जो है वो पानी जो था वो वाष्पीकृत हो गया है और कॉपर कॉपर बचा हुआ है, तो ये रिएक्शन मैं करवा नहीं सकता हूँ क्योंकि, करवाना चाहता हूँ लेकिन नहीं करवा सकता हूँ क्योंकि हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मेंस रेट पे चाहिए अपन को, बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए, इतनी ज्यादा हाइड्रोजन अपने को उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो ये जो है हमने कॉपर का अपचयन सीखा, जिसमें कॉपर ऑक्साइड को काय में अपचयित कर दिया जाता है, कॉपर में अपचयित कर दिया जाता है, CuO था आपके पास, आपने उसकी रिएक्शन जो है हाइड्रोजन से करवाई
और ये अपचयन अभिक्रिया है एक प्रकार की। आपके पास जो है वो कॉपर बनता है और साथ में पानी निकल जाता है ना। ये मैं क्लास में, हाँ अंशिका आपको डाउट होना जरूरी था, लाजमी भी है। ये क्लास में मैंने इन लोग को अपचयन अभिक्रिया दिखाई थी, और मैं ये प्रैक्टिकल करवा नहीं सकता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा हाइड्रोजन गैस ज़्यादा मात्रा में चाहिए पड़ती है। तो आप चैप्टर फर्स्ट में जो है वो अपचयन अभिक्रिया पढ़ते हो, अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है ये प्रैक्टिकल का, वही मैं दिखा रहा था पहले क्लास शुरू करने से पहले, ताकि अपचयन अभिक्रिया जो है वो इसका याद रहे आप इन लोगों को, इसके कारण से दिखाया वो बीच में जो है वो टॉपिक में शुरू हो गया। खैर केवल वीडियो दिखाना था, इसके कारण से मेरे को इसमें रिकॉर्ड भी करना पड़ा क्योंकि बच्चे सारे नहीं आए हुए। हम वापस जो है वो शुरू कर रहे हैं अपना, जो चैप्टर जहाँ पर पहुँच गया था हम उसी को एंड रूप देते हैं, आखिरी में खत्म करते हैं उसको। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में हम चैप्टर देख रहे थे, और इसमें हमने बहुत हद तक लगभग लगभग कंप्लीट कर लिया है विद्युत जनरेटर के कारण से, विद्युत जनरेटर कैसे काम करता है। आखिरी में जो हम देख रहे हैं घरेलू विद्युत परिपथ देख रहे हैं कि घरेलू विद्युत परिपथ क्या होता है। ये भरमार है ऑब्जेक्टिव की, यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपके बनते हैं, एक एक करके जो है वो बात करते जाता हूँ और आपको बताता जाता हूँ। घर में जो है विद्युत आपूर्ति जो है मुख्य तारों जिसे मेंस कहते हैं से प्राप्त करते हैं। मेंस किसको कहेंगे, मेंस में दो तार होंगे, लाल भी होगा काला भी होगा, मतलब जिसमें करंट बहता है वो भी तार होगा, न्यूट्रल भी होगा। ये मुख्य तार या तो धरती पर लगे विद्युत खंभों के सहारे या भूमिगत केबलों के सहारे हम तक हमारे घर तक पहुंचते हैं। तो खंभों के द्वारा पहुंचते हैं हमारे यहाँ, हमारे अंडरग्राउंड केबल अभी नहीं है, अंडरग्राउंड केबल बहुत कम शहरों में भारत में। इन आपूर्ति के तारों में से एक तार जिस पर प्राय लाल विद्युतरोधी आवरण होता है इसको विद्युतमय तार बोलते हैं, है ना। विद्युत मेंस किसको बोलते हैं, मेंस में लाल और काले दोनों तार हो जिसमें धारा विद्युत धारा आएगी और एक न्यूट्रल का तार होगा, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, मेंस, विद्युत मेंस। और इसमें जो ये रेड वाला होता है, रेड वाले को क्या बोलते हैं, रेड वाले को जो है वो विद्युतमय तार बोलते हैं, अथवा धनात्मक तार भी बोल सकते हैं उसको, धनात्मक तार बोलते हैं। और जो काला वाला होता है, काले वाले को जो है वो उदासीन तार बोलते हैं, उदासीन तार, अथवा इसको ऋणात्मक तार भी बोलते हैं, है ना। तो इसको ऑब्जेक्टिव बन सकता है, आपको याद रखना है विद्युतमय तार, उदासीन तार। हमारे देश में इन दोनों तारों के बीच जो विभवांतर होता है वो 220 वोल्ट का होता है, अर्थात हमारे घरों में आने वाली विद्युत धारा का जो विभवांतर होता है वो कितना होता है, 220 वोल्ट होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। घर में लगे मीटर बोर्ड में ये तार मुख्य फ्यूज से होते हुए एक विद्युत मीटर में प्रवेश करते हैं। इन्हें मुख्य सबसे पहले जो है वो खंबे से आता है तार, और वो कहाँ जाता है, मीटर बोर्ड में जाता है, बीच में कहीं नहीं रुकेगा क्योंकि तो आप उससे चोरी कर सकते हो, चोरी भी इसी तरह से की जाती है। मीटर में आने से पहले जो है तार में जो है वो जलाकर उससे टांके बना लिए जाते हैं, जिससे हम मीटर में विद्युत धारा पहुंचने से पहले ही जो है उसको यूज कर लें और मीटर में कम खपत हो, इसी तरह से चोरी की जाती है। तो जो है वो खंबे जो है, खंबे से सबसे पहले जो है वो तार कहाँ आता है, मीटर बॉक्स में आता है, मीटर में आता है। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ जो डायग्राम बना हुआ है, विद्युतमय तार और उदासीन तार, मतलब मेंस, मेंस के बाद सबसे पहले कहाँ आ रहा है, फ्यूज पड़ता है बोर्ड का फ्यूज। अच्छा हाँ, ये वाला एक फ्यूज तार यहाँ पर लगे रहते हैं उसके पहले, नहीं यार ये अभी रियलिटी में ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं किया जा रहा है अभी, अभी जो है इसको इसको नहीं लिया जाता है, डायरेक्ट जो है वो पहले मीटर में आते हैं तार, और मीटर के बाद जो है ये कटआउट लगाए जाते हैं। अभी रियलिटी में ऐसा किया जा रहा है क्यों, क्योंकि चोरी से बचने के लिए। रियलिटी में क्या होना चाहिए, रियलिटी में आदर्श रूप में क्या होना चाहिए, आइडियल रूप में ये फ्यूज तार पहले लगना चाहिए, विद्युत प्रदाय बोर्ड का फ्यूज जो है वो पहले लगना चाहिए, लेकिन अभी नहीं किया जा रहा है। अगर इधर लगा देंगे तो अपने यहाँ लोग बाग इधर से चोरी करना शुरू कर देंगे, मीटर में विद्युत धारा जाएगी ही नहीं, मीटर बिल उनके जरूर आएंगे, इसलिए इसको जो है वो मीटर के बाद लगाया जाता है ना। तो बाहर से दो तार आते हैं वो मीटर में जाते हैं, मीटर के बाद उसके बाद यहाँ पर एमसीवी बॉक्स होता है जिसमें हर एक कमरे के लिए उसमें जो है वो फ्यूज लगा रहता है, एमसीवी बॉक्स जिसको बोलते हैं, उसमें आते हैं और उससे जो है फिर हर एक कमरे में सॉकेट और सभी युक्तियों पर जो है उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, वहीं पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक ग्रीन तार देख रहे हो आप, ये ग्रीन तार जो है वो इसको भूसंपर्क तार बोलते हैं। आपको कई बार जो है वो कूलर से अर्थ बोलते हैं ना, अर्थ लग रहा है इसमें, अर्थ आ रहा है, अर्थ आ रहा है, तो कई बार युक्तियां जो है वो ओवर करंट विड्रॉ करने लगती हैं, उनसे खपत से ज्यादा करंट विड्रॉ करने लगती हैं, जिसकी उसकी जिससे उसकी बॉडी पर करंट आने लगता है, वो करंट ज्यादा डेंजरस नहीं होता है, और वो करंट जो है वो इन तारों के माध्यम से वापस भूसंपर्क तार रहते हैं, इसको भूसंपर्क तार बोलते हैं, अर्थिंग वायर बोलते हैं। और वो जो ओवर करंट जो विड्रॉ हो रहा है वो करंट भूसंपर्क तार से होते हुए कहाँ पहुंचा दिया जाता है, वो जमीन में पहुंचा दिया जाता है जिससे हमको करंट ना लगे। अगर घर में भूसंपर्क तार नहीं है, अर्थिंग नहीं है, तो फिर हमको वो करंट जो है वो कूलर की बॉडी में लगने लगता है ना। यदि अर्थिंग प्रॉपरली नहीं की गई है कूलर में भी और आपके घर के सर्किट में भी,
ही हमको करंट लगेगा। अगर अर्थिंग कूलर में भी प्रॉपर है और घर में भी प्रॉपर है, तो यहाँ पर जो है वो अर्थ का वायर, उसमें से अर्थ का वायर पतला होता है, कम प्रतिरोध का होता है, करंट उसमें से होता हुआ जो है वो जमीन में चला जाता है और हमें करंट नहीं लगता है। तो घरों में जो है वो अर्थिंग करना इसलिए जरूरी है, अगर छोटे बच्चे हैं और कूलर वगैरह चल रहा है, अर्थिंग प्रॉपर नहीं है, तो उन्हें झटका लग सकता है और नुकसान हो सकता है। भारत में अर्थिंग को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, अर्थिंग जो है वो हमारे यहाँ आ रहा है ना करेंट, आने तो क्या दिक्कत है, झुंझुनी अपने बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं, उसको दबाएंगे आवाज आ रही होगी, करंट लग रहा होगा, तो उनको अच्छा लगता है। आप लोगों में से कई महान ऐसे होंगे जिनको जो है वो करंट ऐसा जो अर्थ आता है, कूलर को ऐसे छुएंगे, देख हल्का हल्का करंट आ रहा है इसमें, हल्का हल्का, तो वो वाइब्रेशन को, वो करंट को जो है महसूस करेंगे, जितनी तेज दबाते जाएंगे उतना तेज होते जाएगा वो करंट, उतना तेज लगता रहेगा। अगर चप्पल पहन लोगे तो वो करंट लगेगा नहीं, क्यों? क्योंकि वो करंट जो है वो आपसे होता हुआ कहाँ जा रहा है, विद्युत धारा जमीन में जा रही है। चप्पल पहन लोगे तो जमीन में नहीं जा पाएगी, इसलिए आपको जो है वो करंट लगेगा नहीं, आप ये लगेगा तो बहुत हल्का लगेगा। तो इस प्रकार से जो है वो आप करके मत देखना भैया, नहीं तो अर्थ जो है वो, आपने ये चीज ऑलरेडी पहले से देखी होगी, मेरे बोलने के बाद मत करना, क्योंकि कई बार जो है वो अर्थ की जगह मेन्स का वायर जो है कई बार मोटर में करंट आने लगता है, तार टच हो जाने के कारण से, जिससे आपको झटका ज्यादा तेज लग सकता है। तो कृपया कर अपने रिस्क पर ये चीज जो है बड़ों के सामने ही करें, अगर करना है तो, वरना ना करें तो ही अच्छा है। लेकिन हाँ, ये सुनिश्चित करें कि आपके घर में जो है अर्थिंग बाकायदा प्रॉपर हो। अर्थिंग प्रॉपर होती है ना तो आपकी चीजों की लाइफ बढ़ जाती है, टीवी बहुत अच्छी लंबी समय तक चलेगी, कंप्यूटर खराब नहीं होंगे, बहुत लंबे समय तक चलेंगे, मिक्सर ग्राइंडर वगैरह जो है वो, मिक्सर में ग्राइंडर में भी आपको देखते हो अच्छी अर्थिंग प्रॉपर जरूरी होती है, माइक्रोवेव जिसमें भी तीन प्लग चाहिए पड़ते हैं ना, जिसमें भी तीन प्लग चाहिए पड़ते हैं, चाहे वो चार्जर हो, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, चाहे वो एसी हो, चाहे वो कूलर हो, चाहे वो प्रेस हो, कुछ भी हो, अगर ये तीसरा वाला लगा हुआ है ना, उस चीज को अर्थिंग की जरूरत है। और अगर आप प्रॉपर अर्थिंग नहीं देते हो उसको, प्रॉपर अर्थिंग नहीं जाती है उसमें, तो उसके कारण से क्या हो जाएगी, वो चीज जो है या तो आपको झटका देगी, कई बार प्रेस में भी लगता है, प्रेस में जाता है करंट, किस कारण से आता है, इसी कारण से आता है, अर्थिंग अच्छे से नहीं होने के कारण से। मैं आपको जब स्कूल में होंगे तो इसको सिखा रहा हूँगा कि अर्थिंग में जो है वो कैसे चेक किया जाता है, घर में अर्थिंग को कैसे चेक कर सकते हैं अपन, बहुत आसानी से चेक किया जा सकता है एक बल्ब के माध्यम से, अर्थिंग आ रही है कि नहीं आ रही, घर में अर्थिंग है कि नहीं है, उसको आसानी से चेक किया जा सकता है। बोर्ड खोलकर भी हम देख सकते हैं कि अर्थिंग का तार गया हुआ है कि नहीं गया हुआ है। हालांकि मैं फिर से आपको मना करूंगा कि आप ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि अभी आप छोटे हैं। हाँ, स्कूल में मैं आपको एक आध बोर्ड खोल के जरूर दिखाऊंगा, ये देखो कौन कौन से तार गए हुए हैं, अर्थिंग है या नहीं है ना, तो ये जरूर दिखाएंगे। और घर में हम कैसे पता कर सकते हैं अर्थिंग है या नहीं है, वो भी तरीका सिखाऊंगा। तो इसके बाद देखते हैं 220 वोल्ट का विभवांतर आ रहा होता है, घरों में लगे मीटर बोर्ड में तार स्विच होते हुए मीटर में प्रवेश करते हैं, मुख्य स्विच से होते हुए घरों की लाइनों से संयोजित किया जाता है, घर के तार पृथक पृथक परिपथ में विद्युत आपूर्ति करते हैं, प्रायः घरों में दो पृथक परिपथ होते हैं, एक 15 एम्पियर विद्युत धारा का अनुवर्तन के लिए, जिसका उपयोग उच्च शक्ति वाले विद्युत साधनों जैसे गीजर, वायु शीतलक यानी कि एसी आदि के लिए किया जाता है, दूसरा 5 एम्पियर का विद्युत परिपथ है ना। आप अपने घर में दो प्रकार के सॉकेट देखेंगे, सॉकेट समझते हो, सॉकेट जो है इसको बोलते हैं, एक डंडा ऊपर ऐसा ऐसा, एक बड़ा, एक इस प्रकार के देखोगे और एक इसी टाइप में जो है बड़े वाले देखोगे आप, उसमें जो है वो बटन भी बड़ा रहता है और सॉकेट भी बड़ा सा रहता है, एक बड़ा सा ऐसा डंडा बना होगा, और यहाँ पर बटन भी जो है वो बहुत बड़ा सा लगा रहेगा। दो प्रकार के सॉकेट देखोगे है ना, एक छोटा रहेगा एक बड़ा रहेगा। तो ये छोटे रहते हैं ना, ये 5 एम्पियर के लिए रहते हैं। आप कभी इसके, आपके घर में अगर खुला हुआ रखा हो ये सॉकेट, कई बार हमारे घर में खराब हो जाते हैं ना तो बदलते हैं, या फिर नया जो है आया रहता है, एक्सपेयर बच जाता है, नया घर होता है, तो कई बार ये रखा रहेगा ना, इसके पीछे देखना आप 5 एम्पियर की रेटिंग देखेगी, मतलब ये छोटे उपकरणों के लिए जो है वो जरूरी है, सही है, क्यों? 5 एम्पियर तक का करंट ले सकते हैं ये, 5 एम्पियर तक। अच्छा, कोई आपसे ये पूछ सकता है क्या, घरों में आने वाली विद्युत धारा का मान बताइए, वोल्टेज तो पूछ सकता है 220 होता है, क्या आपसे ये पूछ सकता है कि घरों में आने वाली विद्युत धारा का मान बताइए? कोई फिक्स नहीं होता बेटा, हर एक युक्ति अलग अलग करंट खींच रही होती है, जैसे पंखा अलग करंट ले रहा होगा, टीवी अलग ले रही होगी, लैपटॉप अलग, तो ये युक्ति पर डिपेंड करता है वो कितना करंट विड्रॉ कर रही है, इसलिए ये कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, इसी चीज को वो इस तरह से पूछ सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है ना, घरों में दो अलग अलग पृथक परिपथ होते हैं, एक जो है वो 15 एम्पियर वाला परिपथ होता है और एक 5 एम्पियर वाला परिपथ होता है, तो ये छोटे वाले सॉकेट जो है वो 5 एम्पियर परिपथ के लिए होते हैं, इसमें आप अपना टीवी लगा सकते हो,
उसके बाद जो है वो मोबाइल चार्जर लगा सकते हो इसमें। इसमें आप बल्ब लगा सकते हो, सिंपल जो बल्ब जलाते हैं। पंखे लगा सकते हो आप इसमें, टेबल फैन लगा सकते हो, नॉर्मल पंखे भी लगा सकते हो। वो 5 एम्पेयर तक का करंट खींचते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े उपकरण होते हैं जैसे कि एसी, प्रेस, गीजर जो पानी गर्म करने का गीजर होता है, इनके लिए जो है वो 15 एम्पेयर की लाइन बिछाई जाती है। ये तार जो है ध्यान रखा जाए, घर जब बनाते हैं तो दो तरह के तार यूज किए जाते हैं, एक 5 एम्पेयर की लाइन का तार और एक 15 एम्पेयर की लाइन का तार। दोनों में फर्क क्या होता है, 15 एम्पेयर की तार जो लाइन होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, 5 एम्पेयर की लाइन जो है उसमें थोड़ा सा पतला तार यूज किया जाता है। दोनों में कॉपर का तार यूज किया जाता है, लेकिन 5 एम्पेयर की लाइन जो है उसमें पतला तार यूज किया जाता है, 15 में मोटा तार यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये इसको ज्यादा करंट झेलना है, ज्यादा करंट झेलना है। अगर क्या होगा यदि इस पतले तार से हम 15 एम्पेयर का करंट गुजार देंगे, क्या होगा यदि इस पतले तार से हम 15 एम्पेयर का करंट गुजार देंगे, कोई बता सकता है क्या होगा? ये तार जल जाएगा। तार जल जाएगा, इसकी ऊपरी कोटिंग जो है वो पिघलने लगेगी, और पिघलने लगेगी तो साथ में जो न्यूट्रल का तार होगा उससे ये चिपक जाएगा और हो जाएगा लघु पतन, यानी कि शॉर्ट सर्किट, है ना। इसलिए जो है आपको घर में अगर एसी आता है या फिर गीजर लगवाते हैं आप, उसके लिए घर में 15 एम्पेयर की लाइनिंग होना चाहिए, बड़े वाले सॉकेट होना चाहिए, तभी आप उसमें लगा सकते हैं। नहीं तो आप जो है अगर इसमें घुसा देंगे उसको तो तार जल जाएगा, हो सकता है ये सॉकेट भी जलने लगे धीरे धीरे, है ना। और इस तरह की करतूतें होती हैं। घर में डेकोरेशन करता है कोई? कब? जब दिवाली में सर्किट लगाते हैं ना हम, जो सीरीज लगाते हैं लाइट वगैरह, घर में कोई करता है ऐसा यहाँ पर है जो घर में करता हो डेकोरेशन? भैया हमारे घर में तो सभी एक उसमें लगे, सभी है फ्रिज ऐसे करते हैं। फ्रिज तो कई बार ऐसा होता है जब हम इस वाले सॉकेट में वो सर्किट एक बहुत सारी सर्किट एक साथ घुसा देते हैं, इस वाले छोटे वाले सॉकेट में बहुत सारी सर्किट एक साथ घुसा देते हैं या फिर ज्यादा लोड रख देते हैं, तो जो तार रहता है ना उसकी कोटिंग वो कड़क हो जाता है या फिर पिघलने लगता है, क्योंकि ज्यादा लोड के कारण से वो पिघलने लगता है। यहाँ अगर आप मोटा तार यूज करोगे तो आप वही चीज देख रहे होगे, शादी में जो जब एलईडी वगैरह लगाई जाती है तो अच्छा मोटा तार रहता है, एक कोर का रहता है सिंगल, और कड़क रहता है और मोटा रहता है, उसके कारण से उसकी कोटिंग पिघलती नहीं है। और घर में हम अगर एक इसी पे से नॉर्मल तार पे से ज्यादा सर्किट लगा देंगे तो दो तीन चीजें होंगी। पहली बात तो ये तार पिघलने लगेगा, जिससे आपने लगाया हुआ नॉर्मल काले तार यूज करते हैं ना, काले लाल वाले तार, वो पिघलने लगेगा। या फिर दूसरा, आपने अगर अच्छे से फिक्स कर दिया है, प्लग से लगा भी दिया है, तो ये सॉकेट जलने लगेगा। अगर ये सॉकेट नहीं भी जलता है, इसके साथ साथ और क्या हो सकता है, इसके बगल में जो स्विच लगा होगा ना वो भी जलने लगेगा, ये पिघलने लगेगा, और पिघलते पिघलते जो है एक टाइम ऐसा आएगा कि बंद हो जाएगी आपके सर्किट। तो ये इफेक्ट पड़ता है। हमारे इंडिया में इस पर फोकस नहीं किया जाता है, इवन दो मैं खुद अपने घर की सीरीज जो है वो इसी सॉकेट में लगा रहा होता हूँ। सॉकेट खराब हो जाता है, सॉकेट बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर जहाँ पर सीरीज लगाना है वहां पर हमने 15 एम्पेयर का कनेक्शन दिया ही नहीं है। ये 15 एम्पेयर और 5 एम्पेयर जब घर बन रहा होता है ना, तब ध्यान दिया जाता है कि घर में हमको कहाँ कहाँ 15 एम्पेयर के सॉकेट चाहिए। जैसे एक सॉकेट हमको किचन में चाहिए पड़ता है, मेरे घर में किचन में सॉकेट है, मिक्सर वगैरह जो है उसी में लगाया जाता है 15 एम्पेयर के सॉकेट में। उसके बाद जो है बेडरूम में होना चाहिए 15 एम्पेयर का एक सॉकेट, किस लिए? एसी कभी भविष्य में लगता है, भविष्य में अगर हमको एसी लगवाना है तो 15 एम्पेयर का एक सॉकेट बेडरूम में होना ही चाहिए। तीसरा, एक सॉकेट जो है वो हमको कहाँ मिलना चाहिए, वो हमको बाथरूम में मिलना चाहिए। कभी भविष्य में हम अगर गीजर लगवाते हैं, नॉर्मली अपने यहाँ गीजर इतने कॉमन नहीं है, ठंडे इलाकों में ज्यादा कॉमन रहते हैं, ठंडियों में जरूरत भी पड़ती है, तो अगर बाथरूम में भी हम गीजर लगवाते हैं तो हमको वहां पर भी एक 15 एम्पेयर का, मतलब समझ रहे हो आप, घर बनवाते समय ये तय होता है कि ये 15 एम्पेयर की लाइनिंग कहाँ कहाँ जाएगी। अगर जितने ज्यादा सॉकेट दोगे उतना ज्यादा तार लगता जाएगा आपको। तो घर में दो प्रकार की वायरिंग की जाती है, एक 15 एम्पेयर की विद्युत के लिए, एक 5 एम्पेयर के लिए, है ना। तो दोनों तरह की जो है वो करंट की हमको जरूरत होती है। इसके अलावा जो है भू संपर्क तार होता है, जिस पर ज्यादातर जो है वो हरे रंग का आवरण होता है, हरे रंग का तार होता है। हालांकि इंडिया में जो लोग हैं, इंडिया के लोग जो है वो हरे रंग को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, वो कोई सा भी तार लगा देते हैं और ऊपर से लगाते ही नहीं है। कई घरों में जो है वो ये भू संपर्क तार, अर्थिंग का वायर जो है वो दिखेगा ही नहीं। आपके घरों में भी होगा, इवन तो मेरे घर में भी नहीं है, है ना। बाद में जब जो है वो पता चलता है। और क्यों बचते हैं इससे लगाने से? बचते इसलिए क्योंकि इसका खर्चा बढ़ जाता है, कॉपर का एक तार खरीदना पड़ता है, घरों में डालना पड़ता है वो,
और कम से कम 1 से 2 किलो पूरे घर में अगर बिछाएंगे तो 1 से 2 किलो बढ़ता है। ऊपर ऊपर से हमको जो है जब छत बन रही होती है तब भी इसका जो है वो इसको डलवाना पड़ता है कॉपर का तार, तो खर्चा बढ़ जाता है। उस खर्च लगभग 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 अगर आपका 1,000 स्क्वायर फीट घर है तो कम से कम जो है वो 2,000 रुपये खर्चा बढ़ जाता है पूरे पूरे अच्छे से भूसंपर्क करवाने पर। तो वो 2,000 रुपये लोग बाग बचना चाहते हैं उस 2,000 रुपये से। वो कूलर में आने वाले हल्के करेंट को झेल लेते हैं, जो कूलर में बॉडी में जो हल्का करंट आता है ना उसको झेल लेते हैं। वो बोलते थोड़ा सा अर्थिंग ही तो आएगी, झेल लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तार को लगाने से बचते हैं। लेकिन इससे होता क्या है, इसके कारण से आपके कूलर मिक्सर और जो इक्विपमेंट है जिसमें अर्थिंग की जरूरत है उनकी लाइफ कम हो जाती है। तो आप यहाँ पर 2 रुपये बचा रहे होगे, 2,000 रुपये बचा रहे होगे, तो 1,000 रुपये जो है आप उन इक्विपमेंट को सुधारने में भी लगवा रहे होगे, है ना। प्रैक्टिकली ये देखा गया है, मेरे घर में भी हम लोग कई चीजों यूज कर रहे थे बिना अर्थिंग के भी, लेकिन उसके बाद भी चीजें अच्छे चली हैं। बीपीएल की टीवी भी थी मेरे यहाँ, वो अच्छी खासी चली। वॉशिंग मशीन थी एक, वो भी अच्छी खासी चली थी। तो ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं मेरे ख्याल से इसका। लेकिन इसलिए लोग बाग जो है भूसंपर्क तार लगाने से बचते हैं। लेकिन लगाया जाता है किस लिए, ताकि भूसंपर्क तार क्यों लगाया जाता है, इस पर एक क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन भी देखेंगे हम। भूसंपर्क तार इसलिए लगाया जाता है जब डिवाइस या युक्ति अतिरिक्त करंट विड्रॉ करने लगती है, ज्यादा करंट लेने लगती है। अतिरिक्त मतलब कि किसी माल फंक्शनिंग के कारण से, कुछ खराबी के कारण से वो अतिरिक्त करंट लेने लगती है। तो वो अतिरिक्त करंट उसके अंदर तो यूज होगा नहीं, तो उसकी बॉडी में आ जाता है वो करंट, और उस बॉडी के कारण से हमको अर्थिंग लगने लगता है। उस अर्थ से बचाने के लिए उसको जो है भूसंपर्क करना जरूरी रहता है। ये भूसंपर्क तार जो होता है वो कम प्रतिरोध का तार होता है, कम प्रतिरोध का तार होता है। तो जो बॉडी पे करंट आता है वो करंट इस कम प्रतिरोध के तार से होता हुआ जो है भूसंपर्क तार हम जो है वो पृथ्वी में लगा देते हैं, पृथ्वी में गाड़ देते हैं उसको। उसकी हम पूरे पूरे कमरों में से भूसंपर्क तार लाएंगे और एक कील ठोक देंगे घर के बाहर, या फिर एक बड़ी सी रॉड ठोक देंगे, नमक डालकर गड्ढा करके उसमें रॉड डोब देंगे और उसमें जो है वो तार जोड़ देंगे पूरे घर से जो तार आया हुआ है, जिसके कारण से वो करंट क्या होगा, भूसंपर्क तार से होता हुआ पृथ्वी में चला जाएगा और हमें अर्थिंग नहीं लगेगी, हमें करंट नहीं लगेगा घर में उन इक्विपमेंट से। ये भूसंपर्क तार के बारे में लिखा हुआ है। सामान्य घरेलू परिपथ में से किसी एक परिपथ की व्यवस्था आदि दर्शाया गया है। प्रत्येक पृथक विद्युत परिपथ में विद्युमय और उदासीन तारों के बीच विभिन्न विद्युत संयोजकों को संयोजित किया जा सकता है। प्रत्येक संयोजक का अपना एक पृथक ऑन ऑफ स्विच होता है ताकि इच्छा अनुसार उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके, है ना। नॉर्मल हमारा बोर्ड ऐसा नहीं होता है, ये केवल एक सांकेतिक चिन्ह है कि इस तरह से काम करता है। यहाँ पर हम एक जो है हर एक सॉकेट के लिए जो एक स्विच भी लगाते हैं ताकि युक्ति जो है वो चल सके। विद्युत फ्यूज सभी, अब हाँ फ्यूज जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे अध्याय में हम विद्युत फ्यूज के सिद्धांत एवं कार्य, पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं विद्युत फ्यूज का कॉन्सेप्ट। वो एक लो मेल्टिंग पॉइंट का और हाई रेजिस्टेंस का एक तार होता है जिसको श्रेणी क्रम में लगा देते हैं। करंट ज्यादा फ्लो होता है तो वो खुद सुसाइड कर लेता है, गर्म हो जाके टूट जाता है और हमारे चीजों को जलने से बचा लेता है। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था जब पिछला चैप्टर पढ़ा था। विद्युत परिपथ में लगा फ्यूज परिपथ तथा साधित को अतिभारण के कारण होने वाली क्षति से बचाता है। अतिभारण मतलब ओवरलोडिंग के कारण से होने वाली क्षति को बचाता है। जब विद्युतमय तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो अतिभारण हो सकता है। यह तब होता है जब तारों के विद्युत क्षतिग्रस्त हो जाए तथा साधित में कोई दोष होता है। ऐसी परिस्थिति में किसी परिपथ में विद्युत धारा का अस्तमान बहुत ज्यादा अधिक हो जाती है, इसे लघु पतन बोलते हैं। तो अतिभारण कब बोलेंगे, अतिभारण मतलब मेन्स और न्यूट्रल का आपस में जुड़ जाना, उसको अतिभारण बोलेंगे। और उस जुड़ जाने के कारण से अधिक करंट का बहना, विद्युत धारा अकस्मात बहुत ज्यादा तेज हो जाना, उसको बोलेंगे लघु पतन, शॉर्ट सर्किट। फ्यूज, विद्युत फ्यूज का उपयोग विद्युत परिपथ तथा विद्युत साधित को अवांछनीय उच्च विद्युत धारा के प्रभाव को समाप्त करके संभावित क्षति से बचाना है। फ्यूजों में होने वाला जूल तापन फ्यूज को पिघला देता है जिससे विद्युत परिपथ टूट जाता है। ये तो आपको पता ही है कि हमारी चीजों को जलने से बचा लेता है खुद टूट कर, है ना। इसी के साथ जो है वो चैप्टर खत्म होता है। उसके बाद क्वेश्चन शुरू होते हैं जो कि आज मैं बिल्कुल नहीं करवाने वाला हूँ। आज मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था, मेरे को केवल चैप्टर कंप्लीट करना था, मेरी तबीयत भी साथ नहीं दे रही है ना। तो इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, क्वेश्चन आंसर अपन कल से देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद जो मैं बता रहा हूँ खत्म नहीं कर रहा हूँ क्लास, थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ या अलग चीज़ बता रहा हूँ, क्या बता रहा था, खैर उसके लिए एक बार फिर से ज्वाइन करो ताकि कुछ हट के बात कर सके। आज के लिए इतना ही रखते हैं, एक बार फिर से ज्वाइन करो।